हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल बैंक निफ्टी के एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। तो यस्टरडे मैंने आपको कल बोल के ही रखा था कि ये वाला जो जोन है इसकी जोन के अंदर आपको ट्रेड नहीं करना, ये वाले जोन के अंदर आप ट्रैप हो सकते हो। तो मार्केट ने ये वाले जोन के नीचे तो यहाँ पे ओपनिंग दिया, तो मैंने यहाँ पे एक आपको सेटअप बताया कि यहाँ पे अगर ओपन करके वापस इस जोन को रिटेस्ट करके नीचे के साइड में मोमेंटम करता है तो ये वाले सपोर्ट तक 47,000 तक एक मूवमेंट आ सकता है। लेकिन मार्केट ने इस वाले सपोर्ट के नीचे यहाँ पे ओपनिंग देने के बाद सडन यहाँ पे एक बिग कैंडल यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश की और वापस इसी वाले जोन में जाके मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो गया। तो यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं बना, मैंने भी यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं किया या फिर मैंने भी टेलीग्राम पे कहीं पे दिया नहीं, ये देखिए मैंने ये व्यू बोला था कि यहाँ से ब्रेक करेगा लेकिन यहाँ से ब्रेक ही नहीं किया है, वो यहाँ से नीचे ओपन करके ऊपर के साइड में गया। तो मैंने कोई कॉल भी नहीं लिया, मैंने भी खुद एंट्री नहीं लिया, मैंने स्टॉक में एक दो पोजिशन बनाई थी उसमें मुझे छोटा सा प्रॉफिट हो गया तो उसमें मैं खुश हूँ। तो देखिए कल के लिए हमारे लिए ये वाला जो जोन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। कल अगर मान लीजिए ये नीचे से एक ट्रेंड लाइन भी आ रहा है, इस वाले ट्रेंड लाइन को बैंक निफ्टी ने यहाँ पे सपोर्ट लिया आज दिन भर, तो हो सकता है कि अगर मार्केट इसी वाले ट्रायंगल के अंदर कहीं पे यहाँ पे ओपन होकर नीचे की साइड में ब्रेकआउट करे तो पहला मूवमेंट 47,200, उसके बाद में दूसरा मूवमेंट 47,000 तक एक मोमेंटम नीचे की साइड में आ सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए बैंक निफ्टी यहाँ पे गैप डाउन हो जाता है, थोड़ा सा गैप डाउन होकर 47,200 के आसपास में कहीं पे ओपन होकर नीचे की साइड में ब्रेकआउट करेगा तो वापस एक बार 47,000 तक एक मूवमेंट आ सकता है। लेकिन संभल के ट्रेड कीजिए क्योंकि आज भी मार्केट में फॉल आ रहा था। ये देखिए ये जो कैंडल आपको दिख रहा है वो बहुत बड़ा कैंडल यहाँ पे रेड दिख रहा था, अभी ये जाके आपको छोटा सा कैंडल दिख रहा है डोजी, लेकिन ये यहाँ पे लाइव मार्केट में बहुत बड़ा रेड कैंडल दिख रहा था। तो ऐसे टाइम पे भी यहाँ पे बायर्स मार्केट को कंट्रोल कर रहे हैं, बायर्स ऊपर ऊपर लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे नए बायर्स जो है ना वो ऐड नहीं हो रहे। नए बायर्स को कोई रीजन चाहिए, कुछ सेटअप मिलेगा तभी वो बायर हो जाएंगे। अगर कल के लिए हमें ऊपर के साइड में कोई देखने के लिए सेटअप मिलेगा तो ये वाला ट्रायंगल का रेंज है, इसके आसपास कहीं पे ओपन होगा तो वापस ये एक बार 47,500 को एक बार रेजिस्ट करेगा तो आप उसको वेट करेंगे, एक बार 47,500 निकालेगा उसके बाद ही मार्केट यहाँ पे 700 तक ऊपर के साइड में मूवमेंटअप कर सकता है। लेकिन अभी मार्केट अभी ट्रैप जोन में है तो आपको छोटी क्वांटिटी के साथ में ट्रेड करना है। मैं अब 2-3 दिन से आपको बोलते आ रहा हूँ कि मार्केट अभी बहुत मूवमेंट कर चुका है। कल के दिन में आप देख लीजिए बैंक निफ्टी ने यहाँ पे 47,800 से लेकर 47,200 500-600 पॉइंट का एक मूवमेंटअप किया है, तो मार्केट अभी यहाँ पे टाइम बिता सकता है। तो हमें आपके क्वांटिटी एकदम स्मॉल क्वांटिटी के साथ में ट्रेड करना है, स्मॉल एसएल लगा के ट्रेड करना है। इस वाले रेंज के अंदर आप ट्रेड ही ना करोगे तो अच्छा रहेगा। आप अगर एक दो लॉट में ट्रेड करें तो आपको ये वाली रेंज के अंदर ट्रेड ही नहीं करना है। और आज यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने उल्टी सीधी पोजीशन बना के यहाँ पे लॉस किया रहेगा, स्पाइक भी आ रहे थे, बड़ी बड़ी कैंडलें बन रही थी आप देख सकते हो, तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे लॉस भी किया रहेगा। तो ऐसी कंडीशन में आपको बच के रहना है, आपको स्मॉल क्वांटिटी के साथ में ट्रेड करना है क्योंकि अगर आप कैपिटल सेव करोगे तब भी आप आगे जाकर ट्रेड कर पाओगे। तो ऊपर के लिए बेस्ट सेटअप है 47,500 को एक बार यहाँ पे रेंज बना के ब्रेक करेगा तो 47,000 तक एक मूवमेंट आएगा क्योंकि यह ट्रेंड लाइन भी ऊपर से आ रहा है। एक ट्रेंड लाइन में कल भी आपको बताया था ये वाली जो ट्रेंड लाइन है, ये मैं आपको कल भी बता के रखा था कि ये वाला ट्रेंड लाइन है ये ऊपर से आ रहा है, यहाँ पे कल भी रिजेक्शन लिया था और यहाँ पे मार्केट ने आज भी यहाँ पे जाके यहाँ से उसके पहले से ये जो रेजिस्टेंस बनाया था सुबह के टाइम पे तो यहाँ से ही मार्केट बार बार रिजेक्शन ले रहा था। तो हो सकता है वापस एक बार बैंक निफ्टी यहाँ इस वाले ट्रेंड लाइन को रिजेक्शन ले सकता है, तो आप उसको श्योर शॉट आप बड़ा क्वांटिटी इस वाले ट्रेंड लाइन के ऊपर ही ऊपर के साइड में प्ले कर सकते हो। नीचे के साइड में भी आपको बड़ा क्वांटिटी तभी प्ले करना है जब भी 47,000 ये साइकोलॉजिकल लेवल है, 47,000 को अगर ब्रेक करता है तो आप नीचे के साइड में क्वांटिटी प्ले कर सकते हो। तो ऐसे एनालिसिस के लिए हमारे साथ बने रहिए, हमारे फ्री टेलीग्राम पे आप ज्वाइन हो सकते हो, वहाँ पे ऐसे एनालिसिस कॉल्स वगैरह शेयर करते हैं। आज कोई सेटअप नहीं बना, आज मार्केट साइडवेज था इसके लिए मैंने कॉल्स वगैरह नहीं दिए, नहीं तो मैं डेली यहाँ पे कुछ ना कुछ कॉल्स वगैरह सेटअप्स यहाँ पे शेयर करते रहता हूँ। तो ऐसे एनालिसिस के लिए हमारे साथ बने रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, धन्यवाद।